हो गई चाली। देखिए अपने देश में एक महामारी बीमारी चालू है, महामारी बीमारी है, उसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में आप सभी को जागरूक करने के लिए हम टीकमगढ़ जिले में हैं आज, और आप सभी से मैंने कहा आप लोग गांव के हैं, गांव में कुओं पे रह रहे, गांव आबादी में नहीं है, फिर भी आपको गांव में इतना इसके बचाव का एक ही कारण है कि बाहर से जो मरीज व्यक्ति आते हैं प्रवासी मजदूर, अपने बेटा गए बहुएं गए बाहर, उनको वहाँ तो कम से कम 14 दिन घर में एकांत में रखें और हाथ धोएं, हाथ धुलवाएं, खाना पीना का ध्यान रखें। अभी वर्तमान में ना तो पाँव छुएं, ना पाँव परें, ना परवाएं, हमेशा मुँह बांध के रखें। घर से निकलें तो अपना मुँह में अपने दस्ती लगा के जाएं, और जब बाहर से आए तो हाथ जरूर धोएं और हाथ धुलाएं। ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी दवा अभी नहीं बनी है, इसकी दवा बनने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। हम सावधानी रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हमारा गांव सुरक्षित रहेगा, परिवार रहेगा और देश सुरक्षित रहेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कोरोना वायरस के बारे में आप लोग अपने बच्चों को, नातियों को, सबको जागरूक करते रहें और सुरक्षित रहें, यही हमारा संदेश है। गाँव में अच्छा करें, हम नशा करने वाले व्यक्तियों से दूर रहें, नशा करने जो करते हैं उनको समझाएँ, अगर वो नहीं समझते हैं ऐसे लोगों को पुलिस में कार्रवाई करने के लिए भी कहें। जय हिंद, जय भारत। आज मैं श्री बद्री प्रसाद जी अहरवाल, ग्राम पंचायत बेला के भूतपूर्व सरपंच हैं और 25 साल तक सरपंच रहे। वर्तमान में पर्यावरण दिवस पर आज मैं बेला विकासखंड पलेरा जिला टीकमगढ़ में हूं, और कोरोना वायरस जन जागरूकता अभियान के साथ साथ पर्यावरण पर भी काम कर रहा हूं। तो पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैंने यह बागवान चुना है। बद्री प्रसाद जी एक ऐसे कर्मठ योग, लगनशील